and it was done in an ad hoc, unthought out way. That is our biggest problem with it. Large shopkeepers, laborers, their lives have been destroyed as a result of this. Now, what we are saying to the government is help these people, make this transition happen smoothly, reduce the pain that they are suffering. That's all. मेरे ऊपर तो निशाना लगाते रहते हैं प्रधानमंत्री जी. मैंने जो कहा, ये जो डिसीजन लिया गया है, जो सचमुच में बड़े ब्लैक मनी के प्लेयर्स हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉट फ्री छोड़ रखा है. माल्या जी बाहर बैठे हुए हैं, ललित मोदी जी बाहर बैठे हुए हैं, और बड़े जो सचमुच में बड़े ब्लैक मनी के प्लेयर्स हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉट फ्री छोड़ रखा है. माल्या जी बाहर बैठे हुए हैं, ललित मोदी जी बाहर बैठे हुए हैं, और बड़े जो भी प्लेयर्स हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल छोड़ रखा है. अगर आप लाइन में जाके देखेंगे, वहां पे आपको कोई बड़ा प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लाइन में गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं. क्या ये लोग चोर हैं क्या? इनकी कोई गलती है? इन्होंने कुछ गलत किया है? तो ठीक है, आपने ये डिसीजन ले लिया, मगर उनका जो कष्ट है, उनका जो दुख है, प्रधानमंत्री जी दो दिन पहले हंस रहे थे. आपने देखा होगा स्पीच में हंसी आ रही थी प्रधानमंत्री को. लोग बाहर लाइन में खड़े हैं, 18-20 लोगों ने मृत्यु हो गई. पहले प्रधानमंत्री हंस रहे थे, फिर रो रहे हैं. उनको डिसाइड करना चाहिए कि हंसी आ रही है या रोना आ रहा है. हमारा सिर्फ यह कहना है कि जो इस देश के गरीब लोग हैं, और यह शहर है, जो गांव में हो रहा है वो इससे 10 गुना और मुश्किल हो रही है लोगों को. वहां पे पास पे बैंक नहीं होता है, एटीएम ब्रांच नहीं होता है. किसानों ने जो अपनी बेटी के शादियों के लिए पैसा सेव किया, उसका क्या हुआ? क्या वो करप्ट लोग हैं क्या? क्या वो भ्रष्ट लोग हैं? तो हमारा ये कहना है कि अब आपने कर लिया है, अब आप थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए. जो ये लाइनें लग रही हैं, इनमें जो लोगों को कष्ट हो रहा है, उनकी मदद कीजिए और इन लाइनों को जल्दी छोटा करिए. दिस इज द एंटायर ऑपोजिशन इज यूनाइटेड एंड देर आर बेसिकली अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑन विच वी आर यूनाइटेड. नंबर वन, this step has resulted in a massive inconvenience to large numbers of poor people. That issue needs to be sorted out as soon as possible. We cannot let our people, farmers, small shopkeepers, laborers stand in line for 3 months. So this thing has to be expedited. Number two, it's a very strange thing, but I am seeing on the internet BJP leaders holding wads of cash like this of the new 2000 rupee note. I'm seeing deposits being placed by the BJP organization with West Bengal. So I'm getting the sense that the BJP told it, the Mr. Narendra Modi told all his BJP people that this was going to happen in advance. So as far as I can see, there is potentially a massive scam behind what is going on. So those are the things that we are 100% united as far as the opposition is concerned. As far as taking on black money is concerned, we fully support the government.
There are very big players. There is the real estate market. Why is Mr. Narendra Modi not taking action against the biggest players? Why are the biggest players not sitting, standing in line? That's the question that the opposition is asking. नहीं, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है. मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी यह मालूम था. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने जो तीन चार पास के लोग हैं उन पे भी भरोसा नहीं किया. दूसरी बात, एडहॉक तरीके से ये किया है. ये देश 10-15 लोगों का देश नहीं. इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं. अगर आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, मगर कुछ ना कुछ उसके पीछे प्लानिंग तो होनी चाहिए. आपको ये तो सोचना चाहिए कि भैया अगर करोड़ों लोग लाइन में आएंगे तो हम करेंगे क्या. आपको ये तो पता लगाना चाहिए कि भैया देखो एटीएम के अंदर हमारे नए बैंक नोट घुसेंगे ही नहीं. तो प्लानिंग भी कुछ चीज होती है. इसमें प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि जो उन पर प्रेशर लग रहा था तो थोड़ी सी घबराहट आ गई और उन्होंने ये डिसीजन नी जर्क तरीके से किया है, बिना सोचे समझे किया है. अब ये डिसीजन हो गया तो हम इसको रिवर्स नहीं करना चाहते. अब आपने कर दिया, अब आप इसको अंत तक ले जाइए. मगर जो कठिनाई हो रही है उसको तो हल कीजिए. देखिए भैया, नरेंद्र मोदी जी का तरीका और मेरा तरीका अलग. मैं नरेंद्र मोदी जी की जो माता हैं उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा. हमारा स्टैंड है कि जो गरीब कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हो, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो, मजदूर हो, हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको जो भी कष्ट हो रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी रिलीव कीजिए. लाइनें लगी हैं, उन लाइनों को आप खत्म कीजिए. दूसरी बात, जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ब्लैक मनी के, उनके पीछे आप जाइए. मुझे एक लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है. तीसरी बात, बीजेपी के लोगों को इस बात के बारे में पहले बताया गया या नहीं उसके बारे में आप इंक्वायरी कराइए. पता लगाइए कि इंटरनेट पे हमें बीजेपी के नेता 2000 रुपए की ऐसी बड़ी बड़ी गड्डियां पकड़े क्यों दिखाई दे रही हैं. पता लगाइए कि वेस्ट बंगाल, बीजेपी के वेस्ट बंगाल यूनिट ने इस डिसीजन से एकदम पहले पैसा डिपॉजिट क्यों किया था. ऑपोजिशन और हम सब ये मांग रहे हैं. ये जो डिसीजन लिया है इसके गहरे रिपरकशंस होंगे. अभी ये जो कष्ट हुआ है लोगों को 2-3 दिन का हुआ है, अभी ये चलेगा, हमारी असेसमेंट है. और इस डिसीजन से आर्थिक समस्या को भी नुकसान पहुंचेगा. तो ये जी ने काम किया है, इसके अब रिपरकशंस होंगे. हमारा कहना है कि अब इन रिपरकशंस को मैनेज करने की जरूरत है, नहीं तो हमारे लोगों को जबरदस्त दर्द होने वाला है. I have asked Manmohan Singh ji, I have asked a number of economists. Most of them say that there is no economic rationale to this decision. Most of them say this is an opportunistic decision taken by Narendra Modi. It is a
decision that is going to cost the country tremendously, but it is taken on the basis of political calculations. I feel that the economy of the country is a very precious thing, and we need to ensure that we do not create disturbances and disruptions in it. ₹2,000 का नोट क्यों प्रिंट किया? अगर आप ब्लैक मनी से लड़ना चाहते थे, आपने ₹1,000 का नोट कैंसिल कर दिया, 500 का कैंसिल कर दिया, 2000 का क्यों बना दिया आपने? इसके लॉजिक क्या है, आप ही समझाओ मुझे। आपने कहा कि ₹1,000 का नोट कैंसिल करेंगे, 2000 का क्यों बनाया? नहीं, आप चुप हो गए, आप चुप हो गए, बताओ मुझे। नहीं नहीं, आप चुप हो गए सब। मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, ₹1,000 का नोट कैंसिल किया, 2000 का क्यों लाए? मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से, नरेंद्र मोदी जी से, आपके बंगाल यूनिट ने और आपके नेताओं ने ₹2,000 की इतनी मोटी मोटी गाड़ियां पकड़ के इंटरनेट पे क्यों फोटो रखी? आपके बंगाल यूनिट ने पैसा क्यों डिपॉजिट किया? ये आप देखना, ये जबरदस्त स्कैम निकलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। चलो, हो गया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और आरोप अपने दोहराते हुए कि उन्हें क्या समस्या है सरकार के इस फैसले से, नोटबंदी पर राहुल गांधी के ये गंभीर आरोप जो जनता के सामने उन्होंने रखने की कोशिश की, ये कहा कि जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो इस मसले पर एकजुट है, नोटबंदी पर सरकार को घेरने की पूरी पूरी कोशिश होगी संसद का जो सत्र शुरू हुआ है उसमें। दो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। पहला ये कि ये नरेंद्र मोदी का एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में वित्त मंत्री तक को नहीं मालूम था, केवल 4-5 लोगों ने ये फैसला ले लिया। दूसरा गंभीर आरोप उन्होंने ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबको इसके बारे में मालूम था और इसी वजह से सोशल मीडिया पर चंद ऐसी तस्वीरें चल रही हैं जहां नोटों के बंडल पकड़े हुए जो बीजेपी के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, बंगाल में डाला भी गया था। दिक्कत यह है।